चैप्टर नंबर 1 हम कंटिन्यू करेंगे और प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है ये ग्रिफिथ का 1.3। तो ये इस पे हमारी ये लास्ट डिस्कशन होगी। हम बेसिकली इस लेक्चर में गॉसियन इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे, उसका प्रूफ देखेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आप बाकी जो टाइप के गॉसियन इंटीग्रल्स हैं वो आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो बाद में हम इन्हें सिर्फ यूज़ करेंगे अपनी काफ़ी सारी कैलकुलेशन में। आप गॉसियन इंटीग्रल देखोगे, आप हार्मोनिक ऑसिलेट में भी गॉसियन इंटीग्रल देखोगे, आप हाइड्रोजन के एटम में भी गॉसियन इंटीग्रल को देखोगे। तो वहाँ पे सिर्फ हम रिजल्ट्स को डायरेक्ट यूज़ करेंगे, उसके प्रूफ की तरफ तरफ दोबारा नहीं जाएंगे। तो एक मरतबा अच्छे तरीके से हम प्रूफ देख लें तो उसके बाद हम सिर्फ इसे यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट फिर इस गॉसियन इंटीग्रल को लेके हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अगेन एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एक प्रॉब्लम में और उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो गॉसियन इंटीग्रल होते हैं ये माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी तक, और एक्सपोनेंट में हमारे पास है माइनस के साथ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और साथ यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, इस केस में अल्फा है। तो इसका रिजल्ट होता है स्क्वायर रूट पाई ओवर अल्फा। अगर आप इस ई पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर को प्लॉट करें तो ये इसका जो प्लॉट है कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो ये गॉसियन इंटीग्रल हमारे पास कहलाती है। तो अल्फा से आप इसकी जो विड्थ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और अल्फा जैसे मैंने बताया कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 1/2 हो सकती है। तो वो फिर इसी तरह से जो शेप होगी ये चेंज होगी इस इंटीग्रल की। तो हमारा पहला जो मकसद है कि इसका प्रूफ देखें, ये इस रिजल्ट का प्रूफ क्या है। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि इस इंटीग्रल को नहीं बल्कि डबल इंटीग्रल इसका कर लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर भी लिया है, वाई स्क्वायर भी लिया है हमने, तो एक्स पे भी इंटीग्रेशन और वाई पे भी इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी से लेकर इनफिनिटी तक। तो आप इसे देखें, ये पूरा हमारे पास बन गया है एक्स वाई प्लेन, ठीक है। एक्स वाई प्लेन हम कवर कर रहे हैं, एक्स को भी माइनस इनफिनिटी से लेकर इनफिनिटी तक और वाई को भी माइनस इनफिनिटी से लेकर इनफिनिटी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वही सेम इंटीग्रल था, उसको मैंने डबल क्यों लिया है कि जबकि दोबारा जो एक इंटीग्रेशन करनी थी अब हमें दो करनी पड़ गई है। तो बिल्कुल ये एक्स पे आ गया सेम चीज और सेम चीज वाई पे आ गई हमारे पास। तो इसकी वजह ये है, वो भी आपको मैं बताता हूँ। फिलहाल हम इसको क्या कहेंगे, ये आई स्क्वायर, ये टर्म का नाम क्या है, आई स्क्वायर। तो ये डबल इंटीग्रल में इसको कन्वर्ट करने का मकसद ये था कि अब हम इसे पोल कोऑर्डिनेट्स में ले जा सकते हैं। आपने एक्स वाई जो आपकी ये दो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन एक्स वाई प्लेन पूरा कवर कर रही है। तो एक्स वाई प्लेन आप दूसरे तरीके से भी कवर कर सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में। उसके लिए आपको ये करना होगा कि थीटा पे इंटीग्रेशन करनी होगी 0 से लेकर 2 पाई तक, और आर पे इंटीग्रेशन करनी होगी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो सेम इंटीग्रल ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा आर स्क्वायर, और एक इंटीग्रेशन जो आप डी थीटा पे करोगे वो उसकी रिस्पेक्ट से आ जाएगा आर डी थीटा, और दूसरी इंटीग्रेशन है डी आर, ठीक है। एक आर डी थीटा और दूसरा है डी आर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे आ गया आपके पास आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट काम है हमारे पास इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। तो उसके लिए मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा जेड इज इक्वल टू अल्फा आर स्क्वायर। तो आर की जगह पे आर स्क्वायर की जगह पे अल्फा आर स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा जेड, और बाकी डी जी अगर आप इसका लेंगे तो डी जी इज इक्वल टू होगा टू अल्फा आर डी आर, ठीक है। आर डी आर की जगह पे आप वो भी सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। ये इंटीग्रेशन बहुत सादा है, 0 से के 2 पाए इंटीग्रेट करना डी डी थीटा को, तो वो आपके पास 2 पाए एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे मैंने जैसे बताया अल्फा आर स्क्वायर की जगह पे जी आ गया, डी आर आर की जगह पे आपके पास आ जाएगा टू अल्फा सॉरी डी जी ओवर 2 अल्फा। तो डी जी ओवर 2 अल्फा हमारे पास आ गया, इसका सिर्फ डिफरेंशियल लिया। तो अब सिर्फ आप इसको इंटीग्रेट कर लें 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ई पावर माइनस जी की इंटीग्रेशन होगी माइनस 1 ओवर ई जी। तो ई जी की लिमिट्स हैं अपर लिमिट इन्फिनिटी, माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी आ गया। यहाँ पे माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन में माइनस है रिजल्ट में। तो ई पे की पावर में अगर आप 0 पुट करोगे तो 1 आएगा, तो 1 ओवर 1 आ गया। ये टर्म हमारे पास 0 बन जाएगी और इस पूरी टर्म का रिजल्ट आ जाएगा पाई ओवर अल्फा। तो चूंकि ये आई स्क्वायर का रिजल्ट है, यहाँ पे याद रहे कि ये हमारे पास आई स्क्वायर का रिजल्ट है, तो आई इक्वल्स टू होगा स्क्वायर रूट पाई ओवर
अल्फा। तो ये रहा मेरे पास रिजल्ट, ये प्रूव हो गया हमारा, ठीक है, क्योंकि आई स्क्वेयर तो ये है, अगर आप इसका स्क्वेयर ले लेंगे तो एक इंटीग्रेशन हमारे पास बच जाएगी, वो ऐसे इंटीग्रेशन का रिजल्ट है स्क्वेयर रूट पाई ओवर अल्फा। तो जब आपके पास ये फंडामेंटल इंटीग्रल आ गया तो अब आप बाकी इंटीग्रल भी इससे हासिल कर सकते हैं, ठीक है, इवन इंटीग्रल्स हासिल कर सकते हैं। इवन इंटीग्रल का मतलब ये है कि वो मैं आपको रिजल्ट ड्राइव करने के बाद बताता हूँ। तो पहले आपने ये करना है कि डेरिवेटिव लेना है इसका एक्स अल्फा स्क्वायर के अल्फा के रिस्पेक्ट से, ठीक है। अगर आप इस पूरे रिजल्ट का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो आपके पास एक और टाइप का गॉसियन इंटीग्रल भी आ जाएगा, आपको ये पूरा प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। प्रूव आपने एक मरतबा कर लिया, ये आपके पास फिक्स है। तो अब अगर आप दूसरे टाइप के भी इंटीग्रल हासिल करना चाहते हैं तो वो फाइंड आउट करने का मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूँ। एक आसान तरीकाकार क्या है कि आपने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो इंटीग्रेशन टू के डीएक्स पे, तो ये डीएक्स पे इंटीग्रेशन है, तो डीएक्स पे जब आपके पास इंटीग्रेशन है तो डी ओवर डी अल्फा आप अंदर लेके आ सकते हैं इंटीग्रेशन के। तो डी अल्फा का के रिस्पेक्ट से अगर इसका डेरिवेटिव लें तो एक्स कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। यही काम आपने राइट हैंड साइड पे करना है, ये जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, यही काम आपने राइट हैंड साइड पे करना है। तो राइट हैंड साइड पे जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा माइनस वन ओवर टू स्क्वायर रूट पाई ओवर अल्फा क्यूब। तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट बचेगा ये माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी तक एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर टू स्क्वायर रूट पाई ओवर अल्फा क्यूब। तो अभी इसी स्लाइड पे हमने दो चीजें देखी, एक तो प्रूफ देखा यहाँ तक, और दूसरी चीज जो हमने देखी है वो ये कि आप और इवन इंटीग्रल्स, अगर इवन का मतलब यहाँ पे एक्स की पावर पहले जीरो थी वो ये बन गया, एक्स की पावर टू है तो ये बन गया, एक्स की पावर फोर है, एक्स की पावर सिक्स है, तो आप इन इंटीग्रल्स को दोबारा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है आपको। आप इसका विद रिस्पेक्ट टू अल्फा डेरिवेटिव लें तो आपको जो इंटीग्रल्स के रिजल्ट्स मिलते चले जाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट दी है गॉसियन इंटीग्रल्स की, ये तो वो दो रिजल्ट्स हैं जो हम ऊपर देख चुके हैं, ये रिजल्ट है एक, ये रिजल्ट है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज की, अगर आपके पास इंटीग्रल की जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो सिमेट्रिक हो, मैं जैसे ये माइनस एक्स से लेके एक्स तक या माइनस टू से लेके टू तक, तो इसका माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी तक, और इंटीग्रेंट आपके पास ऑड हो, ऑड फंक्शन हम कहते हैं कि अगर आप इस यहाँ पे एक्स की जगह पे माइनस एक्स को रिप्लेस कर दें तो एग्जैक्टली यही टर्म आ जाए और साथ माइनस मल्टीप्लाई हो, ठीक है। तो आप अगर आप एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट कर दें यहाँ पे तो ये बन जाएगा, यहाँ पे ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, ई पर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एक्स रह जाएगा तो माइनस यहाँ पे पेयर हो जाएगा, तो ये ऑड इंटीग्रल है। ऑड इंटीग्रल को, इंटीग्रेंट को अगर आप सिमेट्रिक इंटीग्रल लिमिट्स पे इंटीग्रेट करें तो रिजल्ट इसका आपके पास हमेशा जीरो आएगा, तो ये जीरो है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू अल्फा अगर आप डेरिवेटिव लें तो आपके पास ये आएगी, और इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू अल्फा अगर आप डेरिवेटिव लें तो आपके पास ये आएगी, ये सेकंड जो इवन पावर है। अच्छा, ये देखें, ये जो रिजल्ट था हमारे पास माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी तक का, अगर आपके पास इंटीग्रेशन आते हैं जीरो से लेकर इनफिनिटी तक तो ये आप इसको हाफ कर लेंगे, ये हाफ हो जाएगा, तो ये रिजल्ट भी आपके पास, अगर ये लिमिट्स हाफ है तो ये भी हाफ हो जाएगा। और इसी तरह अगर आपके पास ऑड इंटीग्रल है और इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो सिमेट्रिक नहीं है तो फिर आपको जीरो नहीं मिलेगा, बल्कि ये है हमारे पास रिजल्ट। इसका मैंने प्रूफ नहीं शो किया आपको, लेकिन ये इसका प्रूफ होता है वन ओवर टू अल्फा। अब अगर आप इसका सेकेंड ऑड पावर चाहते हैं आप, तो आप ये करें कि इसका विद रिस्पेक्ट टू अल्फा डेरिवेटिव ले लें, ठीक है। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा तो आपके पास पावर एक्स स्क्वायर आएगी, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा तो एक्स पावर फोर आ जाएगी, इसका एक्स विद रिस्पेक्ट टू अल्फा डेरिवेटिव लेंगे आपके पास पावर एक्स सिक्स आ जाएगी। और टर्म्स नहीं आएंगी, और टर्म के लिए आपके पास पहले एक ऑड इंटीग्रल होना चाहिए, तो ऑड इंटीग्रल ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू अल्फा डेरिवेटिव लेते जाते हैं तो आपके पास एक्स क्यूब, एक्स पावर फाइव, एक्स पावर सेवन आते चले जाएंगे। तो देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 1.3।
इस केस में हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो ये है, ए की पावर माइनस लैम्डा एक्स माइनस ए स्क्वायर गॉजियन इंटीग्रल है और साथ ए है। हमसे पहला जो प्रॉब्लम है वो ये कहा गया है कि आप नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट ए फाइंड आउट करें, ठीक है। तो आप क्वांटम मैकेनिक्स में जहाँ मर्जी चले जाएं, जो नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करने का जो तरीकाकार होगा वो बिल्कुल यही होगा। वो ये होगा कि आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में ए को रखोगे और इस पूरे एक्सप्रेशन थ्रू आउट स्पेस इंटीग्रेट करोगे इस पूरे एक्सप्रेशन को वन के इक्वल रख के, ठीक है। और वन के इक्वल रख के देखेंगे कि ए की क्या वैल्यू आपको मिल रही है, तो वो आपका नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट होगा। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैं वेरिएबल्स को चेंज करता हूँ, तो वो बन गया ये एक्स माइनस ए इज इक्वल टू यू बन गया, और ए चूंकि कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल होगा डी यू इज इक्वल टू डी एक्स। तो एक्स माइनस ए की जगह पे आ गया यू स्क्वायर, डी एक्स की जगह पे डी यू आ गया, ए चूंकि कॉन्स्टेंट था बाहर चला गया। ये देखिए ये हमारा गॉजियन इंटीग्रल है, तो गॉजियन इंटीग्रल की रिजल्ट जो आ गया स्क्वायर रूट पावर अल्फा, अल्फा इस केस में हमारे पास क्या है लैम्डा है, तो इसको आप रीअरेंज करोगे तो ए की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट पाई ओवर लैम्डा ओवर पाई। तो यही गॉजियन इंटीग्रल था जिसको हमने यूज किया। नेक्स्ट हमारे पास टास्क है पार्ट बी में, जो पहला टास्क है वो ये है कि हमने एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप ये देख रहे हैं कि हमें ये गॉजियन इंटीग्रल कैसे हेल्प आउट कर रहे हैं, तो एक्स को साथ रखे और उसके आपने साथ रखनी है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और इसको इंटीग्रेट कर देना एक्स पे। तो यहाँ पे चूंकि इंटीग्रेशन एक्स पे रिस्पेक्ट से, तो यहाँ पे हमारे पास डी एक्स, ठीक। तो जैसे मैंने बताया था एक्स माइनस ए की जगह पे आ जाएगा यू, डी यू की जगह डी एक्स की जगह पे आ जाएगा डी यू, ठीक है। तो बाकी एक्स की जगह पे क्या बन जाएगा यू इक्वल टू एक्स माइनस ए है, तो ये बन जाएगा एक्स इक्वल टू यू प्लस ए। तो अब सिर्फ काम है टर्म बाय टर्म मैं इसको मल्टीप्लाई करना। ये टर्म पहली बन गई यू ई पावर माइनस लैम्डा यू स्क्वायर और दूसरी टर्म बन गई ई माइनस लैम्डा यू स्क्वायर। ये तो वो गॉज इंटीग्रल है जिसका हमने प्रूफ देखा है, तो इसकी जगह भी आपके पास आ जाएगा पावर लैम्डा, जबकि इसका रिजल्ट हमारे पास जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि ये है ऑड इंटीग्रेंट ओवर सिमेट्रिक लिमिट, तो माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी तक ऑड इंटीग्रेंट है, तो इसका रिजल्ट सीधा सीधा जीरो। तो बाकी हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स है वो इज इक्वल टू आ गई एक है, क्योंकि ये एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल आउट कर रहा है। सेकंड हमारे पास टास्क है पार्ट बी का, वो ये है कि हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर की, ठीक। तो इधर मैंने डिडक्ट कर दिया कुछ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स की जगह पे मैं वैल्यू पुट करूंगा यू प्लस ए, तो यू प्लस ए आ गया। एक्स माइनस ए की जगह पे आ जाएगा अगेन यू, तो यू प्लस ए स्क्वायर ई पावर माइनस लैम्डा यू स्क्वायर। तो सब्स्टिट्यूशन के बाद सारी अब प्रॉब्लम रह गई है कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है गॉजियन इंटीग्रल, नियरेस्ट गॉजियन इंटीग्रल में लेके जाना है, फिर आपने रिजल्ट पुट कर देना है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये मेरे पास फार्मूला आ गया। अब आप टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो पहली टर्म का है यू स्क्वायर ई पावर माइनस लैम्डा यू स्क्वायर, तो आप इसका रिजल्ट लें ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो इसकी जगह पे रिजल्ट पुट कर दें, तो ये रिजल्ट है वन ओवर टू स्क्वायर रूट पाई ओवर अल्फा क्यूब, तो अल्फा यहाँ पे हमारे पास लैम्डा है। सेकंड है ए स्क्वायर ई पावर माइनस लैम्डा यू स्क्वायर, तो ई ये ए स्क्वायर वैसे कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रेशन सिर्फ किस पे रह गई ये ई पावर माइनस लैम्डा यू स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट है स्क्वायर रूट पाई ओवर लैम्डा, तो स्क्वायर रूट पाई ओवर लैम्डा। और ये थर्ड इंटीग्रेशन ऑड इंटीग्रेंट ओवर सिमेट्रिक इंटीग्रल, ये बिल्कुल ये इंटीग्रेशन बनेगी ये वाली, ठीक है, यू के साथ, तो ये जीरो आ गया। अब आप टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा इक्वल टू वन ओवर टू लैम्डा प्लस स्क्वायर, जबकि हमने ये दोनों चीजें कैलकुलेट की हैं स्टैंड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए। तो स्टैंड डेविएशन आपको पता है कि एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स और फिर उसका स्क्वायर है, ये दोनों का डिफरेंस है। तो इसकी जगह पे मैंने वैल्यू ए पुट कर दी, इसकी जगह पे मैंने स्क्वायर आ गया, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया वन ओवर टू लैम्डा। तो इसका ये आ गई हमारे पास वेरियंस, तो इसका आप ले लें स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा वन ओवर स्क्वायर रूट टू लैम्डा।
तो आप क्वांटम मैकेनिक्स में जहां मर्जी जितने मर्जी एडवांस टॉपिक डिस्कस कर लें, जब नॉर्मलाइजेशन फाइंड आउट करना और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू एवेल्युएट करना, वो इससे मुख्तलिफ नहीं होगा, ठीक है। और गॉजियन इंटीग्रल का आप देख रहे हैं कि हमें कम अज कम दो इंटीग्रेशन तो वाइडली यूज, दो टाइप के इंटीग्रल्स हमें वाइडली यूज करेंगे। एक जो हमारे पास है ये इंटीग्रेशन जहाँ पे एक्स कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, एक है एक्स की पावर 1 है, एक एक्स की पावर 2 है, स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हम वाइडली यूज करेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए हमें दो टर्म्स अवेल्यूएट करनी होती है। तो अगेन नॉर्मलाइजेशन, अगर आप यहाँ तक नॉर्मलाइजेशन फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप आगे भी आपको मसला नहीं होगा। एक्सपेक्टेशन वैल्यू बिल्कुल इसी तरह कैलकुलेट की जाती है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का अवेल्यूएट करने का यही एक हमारे पास तरीकाकार है। बाकी होंगे आगे आगे जब हम मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन में जाएंगे तो एक और भी तरीकाकार आएंगे जब मैट्रिक्स में हम डील करेंगे।